महाराष्ट्र की राजनीति में एक महीने से चल रही लंबी खींचतान के बीच भाजपा ने रातों रात बाजी पलट दी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच हुए गठबंधन के बाद तीनों पार्टी मिलकर 23 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस और शिवसेना को गच्चा देते हुए बाजी पलट दी। शनिवार सुबह भाजपा ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई, जबकि एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब बहुमत साबित करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा के पास 105 विधायक है, जबकि अजीत पवार 22 विधायक उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं। वहीं कुछ शिवसेना और निर्दलीय विधायक भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात हुए उलटफेर से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता भी हैरान हैं। मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के साथ एनसीपी के आने की मंजूरी क्या शरद पवार ने दी है। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम के बीच अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को अपने विधायकों के टूटने का डर बना हुआ है। गौरतलब है कि 22 नवंबर की रात तक शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच सरकार बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और 23 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय राजनीति के तथा कथित चाणक्य को पवार साहब ने मात दे दी, महाराष्ट्र को दिल्ली का तख्त झुका नहीं पाया, जय महाराष्ट्र। एनसीपी के दिग्गज नेता से आश्वासन मिलने के बाद शिवसेना ने अपनी पुरानी साथी भाजपा का साथ छोड़ दिया और अलग राह पकड़ ली। अब पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।